श्री राम जन्मभूमि केस की सुनवाई शुरू हुई। समग्र देश की जनता का भाव ये है कि सुनवाई जल्द से जल्द समाप्त की जाए और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला श्री राम जन्मभूमि के लिए जितना हो सके उतना जल्दी देश और दुनिया के सामने आए। आम चुनाव आने वाले, तब तक इस केस की सुनवाई टाल देनी चाहिए। जब भी कांग्रेस किसी बात में एक अलग प्रकार का स्टैंड लेना चाहती है तब श्री कपिल सिब्बल को आगे करती है। 2G घोटाला हुआ तब भी जीरो लॉस थियोरी लेकर श्रीमान कपिल सिब्बल आगे आए थे। गुजरात में आरक्षण का मसला आया तब भी 50% से ज्यादा आरक्षण संभव है ऐसा एक ओपिनियन लेकर कपिल सिब्बल आए। और जब अब श्री राम जन्मभूमि केस के रास्ते में रोड़े अटकाने हैं तब भी कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी की ओर से सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील के रूप में आए हैं। मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस पर अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी श्री राम जन्मभूमि केस की सुनवाई जल्द से जल्द हो इस विषय पर सहमत है या नहीं, या कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि 2019 के चुनाव तक श्री राम जन्मभूमि केस की सुनवाई न हो। गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष जो बनने वाले हैं राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर जाकर अभी अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, एक और मंदिरों के चुनावी दौरे चल रहे हैं और दूसरी ओर श्री राम जन्मभूमि केस पर सुनवाई को टालने के लिए कपिल सिब्बल का उपयोग किया जा रहा है।